बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों, हाईलाइट के सिलसिले में चौथा मैच जो T20 हुआ उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हमारे चॉकलेटी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया। उनका ये फैसला बड़ा ज़बरदस्त रहा क्योंकि पाकिस्तान को बैटिंग के साथ साथ अपनी बॉलिंग के ऊपर भी पूरा फख्र है जनाब। तो यही वजह है कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जैसे ही बॉलिंग शुरू की तो अमाद वसीम ने जनाब जैसे ही 4 विकेट उड़ा दिए, और ये स्पिनर की बेस्ट बॉलिंग भी है कि पाकिस्तान के स्पिनर अमाद ने जैसे ही आगाज़ शुरू किया तो जनाब इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की कि न्यूज़ीलैंड को संभलने का मौका नहीं दिया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जनाब पहला कैच है बिल्कुल अमाद वसीम की गेंद पे, और उसका साथ भरपूर तरीके से दिया शाहीन शाह अफरीदी ने, और उसने भी अपनी गेंद पे जैसे ही कैच आउट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के लिए, और वहाँ से ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और ये शायकीन क्रिकेट भरपूर तरीके से इंजॉय करते हुए। ये है जनाब वो कैच जो शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी ही बॉल पे लिया, और ये फास्ट बॉलिंग के लिए फास्ट बॉलर जो होते हैं इतनी आसानी से कैच ले नहीं सकते, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जनाब अपना हक अदा किया और ये अपनी ही गेंद पे कैच लेते हुए ये शायकीन क्रिकेट इन्जॉय करते हुए। दूसरी तरफ जैसे ही जनाब स्कोर 164/4 और अभी ओवर जनाब 18 थे और बारिश शुरू हो गई रावलपिंडी में, और रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो मौसम है इसके बारे में ये बताया जाता है कि जनाब बिल्कुल भी इसका एतबार नहीं होता। अच्छी भली क्रिकेट देखने को मिल रही थी लेकिन अचानक से बारिश शुरू हुई, और ये सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि उसके साथ ओले भी शुरू हो गए। तो ये उनका स्कोर है, स्कोर कार्ड कंप्लीट न्यूजीलैंड का। ये जनाब जो इंतज़ामिया वाले बंदे ग्राउंड वाले होते हैं उन्होंने पिच को कवर किया और साथ ही उनको नीचे बैठना पड़ गया क्योंकि ओले जो हैं वो बड़े बड़े गिरने शुरू हो गए, और यही वजह थी कि वहाँ पे ये टेंशन शुरू हो गई। तो पाकिस्तान को ऑलरेडी 3-1 की बर्तरी जो है वो इस सीरीज़ में हासिल है, और हमारे रिव्यू का जो मतलब होता है वो सिर्फ यही है कि हम आपकी खिदमत में रिव्यू पेश करते हैं हाइलाइट्स के सिलसिले में, और उसमें 2 से 3 मिनट हम आपके लेते हैं, और टोटली स्कोर कार्ड और लोगों की जो परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर हम बात करते हैं, ताकि किसी बंदे को घंटा 1.5 घंटा टीवी के सामने ना बैठना पड़े, और हमारा रिव्यू सुनते ही वो भरपूर तरीके से इन्जॉय करे कि किस खिलाड़ी ने कितने तीर मारे। तो हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल का नाम है जनाब प्रोशांत स्टूडियो के नाम से। आप इसको लाइक करते हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।